हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 14 स्टेट्स की बेटा केस स्टडी सॉल्व करते हैं। ए स्टॉप वॉच वॉज यूज टू फाइंड द टाइम दैट इट टुक ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू रन 100 मीटर रेस। इस तरीके से स्टॉप वॉच घड़ी होती है बेटा, जिससे टाइम देखा जाता है। अब आपके पास टाइम दिया हुआ है इन सेकेंड, 0 से 20, 20 से 40 और ये। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि एफ है हमारा बारंबारता। 0 से 20 सेकंड के बीच में कितने बच्चों ने रेस फिनिश करी? 8 ने। 20 से 40 सेकंड के टाइम में 10 ने। इस तरीके से हमारा ये केस स्टडी है। अब क्वेश्चन देखते हैं। एस्टिमेट द मीन टाइम, औसत टाइम बताइए बच्चों के द्वारा लिया गया। तो औसत मतलब माध्य निकालना है हमें। अब माध्य निकालने के लिए आपको पता है डायरेक्ट मेथड में पहले हम एक्स निकालते हैं, वर्ग चिन्ह 10, 30, 50, 70 और 90 आ गया। उसके बाद आप एफ एक्स निकाल लेते हैं, एफ और एक्स को गुणा करते हैं ना, 10 × 8 = 80, ऐसे ही 300 आ गया, ये 650, फिर 420 और फिर ये 270। उसके बाद हम एफ का कॉलम का टोटल करते हैं और एफ एक्स का टोटल करते हैं। सिग्मा एफ एक्स इज 1720, सिग्मा एफ इज 40। अब माध्य का क्या फॉर्मूला होता है? सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, बटे में रखेंगे 40, आंसर आ गया 43। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा बताइए। तो बहुलक वर्ग क्या है? इसका मतलब जिसकी सबसे ज्यादा बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है। तो कौन सा बना? ये वाला ना। अब इससे हमारे से पूछा जा रहा है इसकी ऊपरी सीमा बताइए। तो ऊपरी सीमा क्या होगी? 60। आंसर इज सी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमिनिंग, संचयी बारंबारता किसके लिए उपयोगी होती है, कहाँ पे आप काम में लाते हैं? माध्य के लिए या माध्यक के लिए या बहुलक के लिए बेटा? तो आपको पता ही है ये हम मीडियन निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। द सम ऑफ अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास एंड मीडियन क्लास। अब देखिए, मॉडल क्लास तो अभी हमने निकाला था 40 से 60 आई थी, है ना। मीडियन क्लास के लिए हम क्या करते हैं, हमें सी एफ बनानी पड़ती है और फिर एन बटा टू को उसमें चेक करना होता है। एन हमारा कितना है यहाँ पे, इस सबको जोड़ के हमने देखा था अभी पहले 40 आया था, एन बटा टू हमारा कितना हो गया 20। 20 को हम कहाँ चेक करेंगे? सी एफ में। तो सी एफ का कॉलम बनाते हैं, 8, 18, 31, 37 एंड 40। अब 20 को से बड़ा देखना है आपको, तो इसका मतलब 18 तो छोटा है ना, यहाँ देखेंगे तो आपका मीडियन क्लास भी क्या हो गई, 40 से 60। मॉडल क्लास भी यही थी और मीडियन क्लास भी यही हो गई। अब इन दोनों की अपर लिमिट का टोटल करना है, तो इसका क्या बनेगा? मीडियन क्लास भी यही है और मॉडल क्लास भी यही है, अपर लिमिट भी दोनों की सेम रही, 60 + 60 = 120 हमारा आंसर आ गया। इसको इस तरीके से, गलत है बेटा थोड़ा, यहाँ सही कर लीजिएगा। आंसर इज 120। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्टूडेंट्स फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट। 1 मिनट क्या होता है? 60 सेकेंड, है ना। 60 सेकेंड के अंदर हमसे पूछ रहा है कि कितने बच्चों ने रेस फिनिश कर ली थी। तो आपको पता है 60 का मतलब है मुझे ये भी चेक करना है, ये भी और ये भी, है ना। ये वाले सारे 60 से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, 6 और 3 9 बच्चे, 9 बच्चे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो 1 मिनट के अंदर किस किस ने कर ली? 31 बच्चों ने। इसे लिख लेते हैं, हमें ये 3 कॉलम्स को ऐड करना है। आंसर इज 8 + 10 + 13 = 31। तो बेटा आई होप आप समझ गए होंगे इसको। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।